देवी संतोषी और देविया, आपके अथक प्रयास के पश्चात एक अप्रिय घटना घटने से टल गई है। मैं आप देवियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्या लगी देखा? रुद्राक्षी तुम ठीक तो हो ना? पापा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंकल चोट तो लगी थी पर मैंने दवाई लगा दी है, आप बस डॉक्टर को बुला दीजिए। हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ। मम्मा क्या हो रहा है? शुक्र है ज्यादा नहीं लगे। कहाँ रहता है ध्यान रुद्राक्षी? कैसे खेल रहे थे कि चोट लग गई? पौलोमिका को तो नहीं लगी है ना? बिल्कुल लापरवाह होते जा रहे हो। हम कुछ पूछ रहे हैं रुद्राक्षी, बताओ कैसे खेल रहे थे, कैसे लगी? संतोषी तुम भी क्या पूछताछ कर रही हो यार, देखो कितनी चोट लगी है इसे। तुम हटो यहाँ से प्लीज। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? और अरे ये रुद्राक्षी को क्या हुआ? पापा रुद्राक्षी को चोट लग गई है, खेलते खेलते गिर गई वो। आप कहाँ थे? आपको सुनाई नहीं दिया इसकी आवाज? बेटे हम अपने कमरे में थे। अरे बेटी ये चोट कैसे लगी? संभल के तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ दादू। तुमने मुझे कॉल क्यों किया घर पे, जब ऑलरेडी पापा थे तो उनको क्यों नहीं बुलाया? मैंने दादाजी को आवाज दी थी पर शायद दादाजी को सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने आपको कॉल कर दिया। अंकल तुम भी कमाल करती हो कसम से, जब घर पे बड़े मौजूद हैं तो उनको बताने के बजाय तुम मुझे कॉल कर रही हो। इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बच्ची है, डर गई होगी। आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना, रुद्राक्षी दर्द में है। मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया, डॉक्टर आ रहा है। तुम छोड़ो मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ अपने कमरे में, आराम करिए। आराम से, आराम से। चल। मम्मा। बस बस बस, बस बस बस। खेलते वक्त नहीं सोचते हो, चोट लग गई तो रोना चालू हो जाता। आप परेशान मत हो, आपने जो किया अच्छा किया, बस आगे से ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले उनको बताना चाहिए जो घर में हो। गौ माता क्या हुआ, आप अत्यंत व्याकुल लग रही हैं। माते हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आपके आने का आभास नहीं हुआ, हमारा मन संतोषी के लिए चिंतित है।